कुछ नए ये लोग लेके आते हैं. दे हैव स्टार्टेड द टेलीकैलेंडर शो फ्रॉम गोवा एंड टुडे दे हैव रीच ताइवान. सो डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग जर्नी. बहुत सारा हार्डवर्क और मेहनत का ये फल होता है. बहुत ग्लैमरस होते जा रहे हैं दिन ब दिन, बहुत इनोवेटिव, बहुत डिफरेंट होते जा रहे हैं. आई थिंक ये टेलीकैलेंडर शो जब भी आता है ना तो ऐसा फील होता है कि यू नो यू आर पार्ट ऑफ अ किंगफिशर कैलेंडर शो और समथिंग. एंड ऑनेस्टली आई एम ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द टेलीकैलेंडर शो. आई एम रियली लकी कि मैं ये दिस इज माय थर्ड ईयर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो. तो डेफिनेटली आई एम वेरी ऑनर्ड एंड वेरी लकी. लेकिन फ्रांस से सिर्फ फीमेल सेलिब्रिटीज फीचर कर रही हैं, मेल सेलिब्रिटीज का नामो निशान नहीं है. कितनी दुख की बात है ये. बड़ी दुख की बात है सब मेल सेलिब्रिटीज के लिए. बड़े मेल सब दुखी हो जाते हैं. आई थिंक सो, आई एम श्योर अबाउट इट. बट या आई थिंक दे विल कम अप विद अ न्यू कॉन्सेप्ट. आई एम श्योर अबाउट दैट. अच्छा कुछ करेंगे जैसे 5th एडिशन है, 6th एडिशन है, 7th एडिशन है, क्या बदलाव करना चाहिए? कुछ बदलाव की तरह कुछ कहना चाहिए? जैसे फीमेल है तो क्या 6th में मेल को देखेंगे कैलेंडर में? That is completely a creative call. I think Sunny and Anand will be the better person to take a call about it because I'm just a part of the calendar show. But definitely, yeah, I think it will be more glamorous agar ladke bhi part ho jayenge Sally calendar ka to. Definitely, it's going to be a more glamorous show. Maybe ladka ladki saath mein kuch different innovative poses ke saath kuch alag alag shoot karenge. So I'm sure it will be different. Aap ye jana chahoge Bollywood ke bade celebrity Salman, Amitabh sab TV shows karte hain. Lekin jo television ke stars hote hain unka एक्सप्रेशन होता है कि बॉलीवुड में अपने कदम रखें. तो आज के दौर में टेलीविजन और बॉलीवुड बराबर है, आप ये मानती हैं? मैं पर्सनली हाँ मानती हूँ ये चीज़ को, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज़ छोटे छोटे शहरों में आम जनता हर जगह पे नहीं पहुँच पाते. एवरीबडी कैन अफोर्ड 250 रुपये का टिकट खरीद के मूवी देखना. सो डेफिनेटली पीपल ये लोग यही प्रेफर करते, घर की बीवियाँ या लोग जब थक जाके घर पे आते हैं तो डेफिनेटली वो टीवी का चैनल हाथ में रिमोट होता है. कोई भी चैनल सर्व करके चैनल चेंज कर सकते हैं. आजकल फ़ोन पर आ गया है टेलीविजन. सो आई थिंक टेलीविजन एक ऐसा मीडियम है जो हर किसी इंसान के कोने कोने तक पहुँचते हैं, जो शायद बॉलीवुड मूवीज़ इतना कोना कोना तक नहीं पहुँचते. एंड टेलीविजन हैज़ रीच वर्ल्ड वाइड. मतलब US बोलो, न्यूजीलैंड बोलो, साउथ अफ्रीका बोलो, हर जगह पे आपकी डेली शो देखी जाती है. हर जगह पे आर्टिस्ट को बुलाया जाता है फॉर इवेंट्स एंड ऑल. सो आई थिंक इट्स एन इक्वल प्लेटफॉर्म नाउअडेज. एंड आई थिंक बिकॉज ये मीडियम हर किसी के पास पहुँचता है टू द मास जनरेशन, आई थिंक दैट्स व्हाई बॉलीवुड पीपल भी दे आर इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ द टेलीविजन वर्ल्ड. और अगर इस कॉन्सेप्ट को लार्जर लाइफ क्रिएट करना हो तो क्या आपके सजेशन की आपकी तरफ से कि लार्जर लाइफ करना इस कॉन्सेप्ट को? आई थिंक और मीडियम और होना चाहिए जो गांव में है लोग नहीं अफोर्ड कर पाते टीवी देखना, बिकॉज वो थोड़ा प्राइजी हो जाता है. लाइक टाटा स्काई लगानी जाओ या एयरटेल लगानी जाओ, कोई भी डिश टीवी लगानी जाओ, इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर द कॉमन पीपल, फॉर द फार्मर्स और जो भी है पॉर पीपल के अफोर्ड करने के लिए. आई थिंक अगर वो थोड़ा रीजनेबल हो जाएगा तो इट विल बी वेरी ईजी. और अगर इंटरनेट और रीजनेबल हो जाएगा तो आई थिंक पीपल कैन जस्ट डाउनलोड एप्स ऑन द फोन एंड वॉच टेलीविजन, लाइक आजकल जो बहुत कॉमन हो गया बीट, हॉट स्टार और वट एवर. सो आई थिंक दैट विल बी ईजियर फॉर द कॉमन जनरेशन टू.